दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज भी हम एक अच्छा चीज बनाना सीखेंगे। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसके ठीक राइट साइड में एक बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करते ही राइट साइड में ऑप्शन आ सकता है, बस ऑल ऑप्शन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप हम लोग जो आज प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे उसको लेकर आप बिजनेस कर सकते हैं, घर में माने घर से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जो रॉ मेटेरियल है आपको घर में ही मिल जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट लागत बहुत कम है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, पैक बनाएंगे, बस मिक्सिंग करेंगे, पैक बनाएंगे और मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है और ये एक FMCG है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। ये FMCG प्रोडक्ट आप अगर बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बहुत सारा प्रोडक्ट है मार्केट में जो आपके आसपास में दिख रहा है आप में, ऐसा ही प्रोडक्ट आप अगर बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर मेरा बुक है, ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। दो बुक है, पार्ट वन पार्ट टू, इसमें सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये मार्केट में जो ब्रास, कॉपर, गोल्ड ये पॉलिश करने के लिए जो पाउडर मिलता है, ये पाउडर आज हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किन किन मेटेरियल से ये बनता है और लास्ट में जाके इसका जो रिजल्ट है देखेंगे, रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है ना। कॉपर कैसा साफ होगा, ये पीतल जो है ब्रास कैसे साफ होगा, गोल्ड सोना ये भी साफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपके घर में अगर से देखिए, ये डिटर्जेंट पाउडर है, ठीक है। डिटर्जेंट पाउडर, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर आप ले सकते हैं। इसमें माने मैल काटने का क्षमता भी रहता है और एक बात है, इसमें इसको यूज़ करेंगे तो स्क्रबिंग भी अच्छा होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको एसिटिक एसिड लेना है, थोड़ा सा एसिटिक एसिड दे देना है। देखिए ये कैसा डिटर्जेंट कैसा फूल रहा है, ठीक है। आपके घर में अगर ये विनेगर रहेगा तो भी चलेगा। देखिए अच्छा से इसको मिक्स करना है। एसिटिक एसिड देने से ही ये एकदम बहुत ही गरम हो जाएगा और आपने देखा थोड़ा सा इसमें नमक दे देंगे, और बर्तन में चमक लाने के लिए इसमें हल्दी का पाउडर है, टर्मरिक जो खाने का हल्दी है ना, वो ही इसमें देना है। एक कलर का भी काम करेगा और चमक लाएगा। एसिटिक एसिड देने से देखिएगा थोड़ा दाना दाना बन जाएगा, माने मोटा दाना हो जाएगा। तो दाना को थोड़ा तोड़ दीजिएगा, डिटर्जेंट में तो खुशबू रहता ही है, आप चाहे तो कुछ भी इसमें फ्रेग्रेंस डाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया काम करता है, मैंने इसमें एरियल लिया है, आप कोई भी डिटर्जेंट ले सकते हैं। ये बनके रेडी हो चुका है, अभी इसको टेस्ट करेंगे।
कैसा काम कर रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, ये दो बर्तन ले लिया है, ठीक है। एक तो है तांबा का कॉपर और एक है ये ब्रास का, ठीक है। तो दोनों को ही हम साफ करके देखेंगे। लास्ट में ये जो अंगूर ये सब रिंग है ये भी मैं साफ करूँगा, ठीक है। ये एक छोटा सा बर्तन में क्या करना है, थोड़ा पानी लेना है, थोड़ा सा पानी लिया है। और इसमें ये बना हुआ जो है इसमें अच्छा से इसको घोलना है। एक बात को ध्यान में रखिएगा, ये मैंने थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होने से रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। अभी इसको क्या करना है, लगा देना है। अब इसे धो लेंगे, ठीक है। देखिए लगभग बहुत अच्छा साफ हुआ है, इसको धो लेंगे। देखिए कितना अच्छा साफ हुआ है, ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखिए, ऐसा ही आप अगर सोने का जो आइटम है ना, इसे भी आप इसके द्वारा ही साफ कर सकते हैं, ठीक है। ये इससे ही साफ हो जाएगा। मैंने बस ब्रास में मार देने से नहीं है, मैंने ब्रास अगर देंगे तो देखिएगा बहुत अच्छा चमक आ जाएगा।